जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर सीआरपीएफ की तरफ से एक और नोटिस यहां पर जारी हो चुका है एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ा बदलाव इस बार देखा जा रहा है फिजिकल को लेकर, और फिजिकल को लेकर यह नोटिस जारी हुआ है। इतने दिन आपका फिजिकल है वो लगातार चल रहा था, इसी बीच दोस्तों फिजिकल में एक बहुत बड़ा चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आगे होने वाले जून जुलाई में लगभग किसी भी फोर्स में, चाहे वो एसएसबी हो या बीएसएफ हो, सभी में दोस्तों आपको यह बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आखिर क्या बड़ा बदलाव ये सीआरपीएफ की तरफ से फिजिकल को लेकर किया गया है, तो इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे। साथ ही दोस्तों एसएससी जीडी के साथ ही सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, हम सीआरपीएफ की ऑफिशियली साइट पे हैं और ऑफिशियली साइट पे ही ये नोटिस जारी हुआ है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आप देख लीजिएगा 20/5/2022 को ये नोटिस जारी हुआ है, और यहां पर आप देख ले द रिपोर्टिंग टाइप ऑफ ऑल कैंडिडेट ऑफ कॉन्स्टेबल जी डी एग्जामिनेशन 2021 इन कैप्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जी डी असम राइफल इज नाउ बीन प्रीपोन्ड। जी हाँ दोस्तों, तो ये नोटिस की चीज का, सबसे पहले नोटिस डाउनलोड करते हैं। तो हमारे सामने ये नोटिस डाउनलोड हो चुका है, सबसे पहले नोटिस को ओपन करते हैं। आखिर इस नोटिस में क्या चीजें सीआरपीएफ की तरफ से मेंशन की गई है, क्या बड़े बदलाव फिजिकल को लेकर किया गया, तो ये नोटिस हमारे सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहां पर आप देख ले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज इंपोर्टेंट नोटिस, और क्या इंपोर्टेंट नोटिस है तो यहां पर देख लीजिएगा ड्यू टू एक्सट्रीम स्कोर्सिंग हॉट वेदर कंडीशन, क्योंकि इस समय जो वेदर चल रहा है, मौसम चल रहा है, वो काफी ज्यादा गर्म है और इसी वजह से बच्चे काफी ज्यादा फिजिकल में फेल भी हो रहे, और इन सबको देखते हुए ऑल ओवर कंट्री भारत के सभी राज्यों में अवॉइड एनी अनवांटेड इंसिडेंट ड्यूरिंग पीटी, मतलब पीटी फिजिकल के समय किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए रिपोर्टिंग का टाइम है वो एसएससी सीआरपीएफ ने चेंज कर दिया है फिजिकल का। तो क्या समय चेंज किया गया, तो यहां पर आप बिल्कुल देख लीजिएगा, पहले जो आपका रिपोर्टिंग का टाइम 5:30 बजे दिया गया था, जहां पर आपको 5 बजे दोस्तों आपकी एंट्री शुरू होती थी, उसे अब चेंज करके 4 बजे कर दिया है। मतलब दोस्तों अब 3:30 बजे के लगभग ही आप लोगों की एंट्री शुरू हो जाएगी, और लगभग बात करें तो 5:30 या 6 बजे पहले बैच को दौड़ा दिया जाएगा, और लगभग बात करें तो 8 बजे से पहले 8 बजे से पहले पहले सभी बच्चों को दौड़ा दिया जाएगा, क्योंकि गर्मी की वजह से 2 दिन में काफी कम कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई हो पाए रनिंग में। इन सब को देखते हुए ये बड़ा निर्णय सीआरपीएफ की तरफ से लिया गया। साथ ही ये नोटिस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप ध्यान से इस नोटिस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाके आप बाबू फौजी सर्च कर सकते हैं, साथ ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।